हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवर्त सारणी और उसके महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में, विशेष रूप से रेलवे भर्ती परीक्षा में विज्ञान के महत्व को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि आप जानते हैं, एलपी की भर्ती परीक्षा में 4 से 5% तक हमें सिर्फ और सिर्फ आवर्त सारणी से ही हर एक पारी में देखने को मिल रहे हैं लगातार। तो उन सभी बिंदुओं को जहाँ से प्रश्न बनेंगे आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि आप 100% इन सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने में सक्षम होंगे, किंतु आपको इसके लिए एक ईमानदार प्रयत्न की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है नोट्स बनाना, भले ही आप वीडियो को 2-3 बार देखो या पॉज कर करके देखो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे आवर्त सारणी की हिस्ट्री, जहाँ से सवाल 2 बार आ चुके हैं। एक बार न्यूलैंड का ऑक्टेव रूट पूछा गया है और एक बार ट्राइड, ठीक है, डॉबरनियर का ट्राइड। तो हम देख लेते हैं दोनों ही क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे मेन पीरियडिक टेबल पे। मोजले की पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इसके अलावा मेंडलीव की पीरियडिक टेबल भी पढ़ेंगे और डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे उसको। डॉबरनियर जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उन्होंने सबसे पहले इस दिशा में प्रयास किया जब तत्वों को वर्गीकृत करने की कोशिश की। इसी क्रम में उन्होंने एक ट्राइड लॉ दिया, लॉ ऑफ ट्राइड। इसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर हम तीन तीन एलिमेंट्स को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में सजाएं, तो जो बीच का ग्रुप है उसका एटॉमिक वेट बाकी दोनों के एटॉमिक वेट के लगभग बराबर होगा या पूरी तरह से बराबर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं लिथियम, और अगर हम यहाँ पे पोटेशियम ले लें तो इन दोनों का एटॉमिक वेट मिला के हो गया 46, और इन दोनों के बीच में आता है सोडियम, सोडियम का होता है 23। तो अगर हम 46 को 2 से डिवाइड करके एवरेज लें लिथियम का और पोटेशियम का, तो वो हो जाएगा 23 अप्रोक्सीमेटली, ये लगभग, ठीक है, ये हो सकता है पूरी तरह एग्जैक्ट भी आ जाए। तो इन्होंने इस तरह से रिलेशनशिप बनाए, कई ट्राइड इन्होंने बनाए। एक ये आप देख रहे हैं कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का इन्होंने बनाया, और यहाँ आप देख रहे हैं आप ये 40, ये 137, मतलब 177, और इसको डिवाइड किया 2 से तो 88 के आसपास ये बैठेगा। और ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का इन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया और दिखाया कि ब्रोमीन का जो एटॉमिक वेट है वो लगभग बाकी बचे हुए दोनों एलिमेंट्स के एवरेज के बराबर है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक अच्छा प्रयास किया तत्वों को क्लासीफाई करने के लिए। इसके बाद आए न्यूलैंड, जिन्होंने ऑक्टेव रूल दिया है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अष्टक नियम। इसको भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। न्यूलैंड ने कहा कि जब हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं, तो पहला तत्व और 8वां तत्व जो है उन दोनों के बीच में एक विशेष संबंध निकल के आता है, ठीक वैसे ही जैसे कि आप स्वरों को सजाते हो संगीत के केस में, और वहाँ पे एक संबंध निकल के आता। तो इस ढंग से कुछ सिमिलैरिटीज इन्होंने पाई, लेकिन आगे जाकर के ये भी कुछ खास सक्सेस नहीं हुआ। कुछ दिन बाद इनको भी लोगों ने नकार दिया। इसके बाद बारी आई रशियन साइंटिस्ट मेंडलीव की, जिन्होंने आवर्त सारणी में काफ़ी हद तक सफलता अर्जित की, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे आए जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और उनके शिष्य मोजले ने उनकी वो कमी दूर करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दी। जो मेंडलीव की यहाँ तक बात है, तो मेंडलीव का नियम क्या कहता है, मेंडलीव कहते हैं कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन है, मतलब परमाणु भार पे ही किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। भौतिक गुण कैसे कौन कौन से हो गए, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह, तो ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, उनके परमाणु भार पर डिपेंड करते हैं किसी तत्व के, और ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसके परमाणु भार पर डिपेंड करती हैं। ये मेंडलीव का कहना था, इस पर आधारित उन्होंने एक टेबल बनाई जिसको कहा गया मेंडलीव की आवर्त सारणी, लेकिन ये बाद में कई चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे हाइड्रोजन की पोजीशन और कई एलिमेंट्स को ये सही से आगे भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, वो डिटेल में आज हम नहीं देख पाएंगे, बट आप इतना ही समझ लो। बाद में मोजले जो इनके खुद के शिष्य थे मेंडलीव के, उन्होंने इस बात को करेक्ट किया कि यहाँ परमाणु भार के बदले परमाणु क्रमांक होगा, और फिर उन्होंने पीरियडिक टेबल को मॉडर्न फॉर्म दे दी। बहुत बड़ा चेंज नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा चेंज यही था जो बहुत महत्वपूर्ण था कि परमाणु भार के बदले उन्होंने परमाणु क्रमांक को आधार मान लिया। तो अब सवाल यह आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणु क्रमांक किसका आधार है, आवर्त सारणी का या परमाणु भार आधार है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का? तो आपका आंसर होगा परमाणु क्रमांक, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो, या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हो। चलिए आगे चलते हैं।
अब हम देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये जो मोजली ने दी थी। यहाँ पे क्या है कि वर्टिकल कॉलम्स हैं 18, वर्टिकल कॉलम्स यानी कि खड़े कॉलम जो हैं, खड़े आयत एक तरह से आप कह लीजिए, ये हैं 18। आप देख सकते हैं कौन कौन से 18 हैं, ये नंबर भी यहाँ पे पड़े हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके। ये 18 नीले कलर में जो 18वां ग्रुप है जिसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, और ये इनर्ट गैसेस का ग्रुप है। अब वन बाई वन हम देख लेते हैं। यहाँ पे चार हम जो पढ़ेंगे ब्लॉक पढ़ेंगे, चार ब्लॉक कौन कौन से हैं, एस ब्लॉक पहला, फिर डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक और उसके बाद एफ ब्लॉक। इस ढंग से हम चार ब्लॉक में इस पूरी पीरियडिक टेबल को बांट करके अध्ययन करेंगे। तो पहला ग्रुप जिसे हम कहते हैं एस ब्लॉक, सॉरी पहला ब्लॉक जिसे हम कहते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में ये दोनों ग्रुप आ जाएंगे। कौन कौन से ग्रुप आ जाएंगे, देखिए सब ग्रुप हैं ये, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके चलते रहेंगे 18 तक। अब पड़ी लाइन की अगर हम बात करें तो ये पड़ी लाइन जो है इधर को पड़े क्षैतिज पंक्तियां इनको हम कह सकते हैं। देखिए पहला ये है, दूसरा ऐसे करके चलते रहेंगे और साथ हैं ये पंक्तियां, इनको हम क्या कहते हैं पीरियड, हिंदी में कहेंगे इसको आवर्त। और ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ग्रुप नीचे की तरफ चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं, समझ लीजिए हम ग्रुप में चल रहे हैं एक ही लाइन में अगर हम चल रहे हैं तो। और अगर पड़े चल रहे हैं ऐसे क्षैतिज रूप में तो हम पीरियड में चल रहे हैं। तो ये था पीरियड और ग्रुप, आप कन्फ्यूज नहीं होंगे आई होप। अब हम बात कर रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एस ब्लॉक में दो पीरियड्स दो सॉरी दो ग्रुप्स आते हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं, एक तो ये ग्रुप है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप, और दूसरा ग्रुप हमारा भी इसी ब्लॉक में आता है एस ब्लॉक में। तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं एस ब्लॉक को, टेक्निक क्या है याद करने की। और इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर हम आप देख सकते हैं ये जो ग्रुप चल रहे हैं, ये पहला हाइड्रोजन वाला ग्रुप है, लिथियम, उसके बाद सोडियम, और उसके बाद आपका पोटेशियम, देन रूबीडियम, और उसके बाद सीजियम और फ्रेंशियम नीचे आ जाएंगे। अभी वो विजिबल नहीं है, हम बाद में दिखा देंगे। उसके बाद ये पीला ग्रुप आ चल रहा है जो बेरिलियम से स्टार्ट हो रहा है, मैग्नीशियम और फिर कैल्शियम पे जाता है ऐसे करके। ये दोनों के दोनों ग्रुप किसके तत्व हैं, ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एस ब्लॉक के तत्व क्यों हैं। तो एस ब्लॉक के तत्व इसलिए हैं क्योंकि इनका संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं आप उसको, जो कि वैलेंसी बनाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, वो एस ब्लॉक में होता है। और उसको त्याग करके, चूंकि ये धातुएं हैं इसलिए त्याग करके उसका ये धनात्मक आयन बनाते हैं, कैटायन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। क्लियर। अब यहाँ पर जो पहला ग्रुप है हाइड्रोजन ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अर्थ मेटल भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा बेरिलियम से स्टार्ट होने वाले ग्रुप को हम रेयर अर्थ मेटल के नाम से भी जानते हैं। और ये सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल्स के अंदर, सबसे ज़्यादा एक्टिव तत्व हैं। इसलिए ये जैसे आप देखते हैं कि सोडियम को हम सीधे तौर पर नहीं रख सकते, उसको हम कहाँ पर रखते हैं, मिट्टी के तेल में डुबो करके रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और वो कहीं पर भी रिएक्शन करके आग लगा देगा। अगर आप पानी पर डाल दो उसको या उसके ऊपर पानी डाल दो तो वो आग लगा देगा फौरन, तो इसलिए उसको मिट्टी के तेल में भिगो कर रखा जाता है। इस पर भी सवाल आता है। अब बात आती है कि पीरियोडिक टेबल के इन एलिमेंट्स को आखिर हम कैसे याद रखें। तो याद रखने के लिए पहले ग्रुप के लिए ट्रिक होती है हेलिना की रबसे फरियाद, बिल्कुल आपको फर्स्ट क्लास याद हो जाएगा। हेलिना एच हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, ली लिथियम को, और ना सोडियम को, ऐसे करके आगे भी हम दिखा देते हैं आपको पूरा ग्रुप, और पूरे ग्रुप के सब एलिमेंट आपको याद हो जाएंगे फ्रेंशियम तक। ये देखिए सारे के सारे ग्रुप आपके पास आ गए, हमने ट्रिक आपको बताई हेलिना की रबसे फरियाद, इससे आप इसको फट से याद कर लीजिए। दूसरा ग्रुप चलते हैं, दूसरा ग्रुप जो आपके पीले रंग से दिख रहा है, बेरिलियम से स्टार्ट होकर मैग्नीशियम और उसके बाद कैल्शियम। लेकिन चलिए पहले दूसरा ग्रुप कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरे ग्रुप को याद रखने के लिए ट्रिक क्या होती है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, जो आपको सूटेबल हो वो आप फ्रेज याद कर लो और हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाएगी, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा आपको। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना, लिख करके रख लो आप इसको जो हमने बोला है, और उसके बाद आप इसको एक बार दोहराओ, 100% आपको याद रहेगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा ग्रुप, दोनों ग्रुप हमने पढ़ लिया, दोनों की शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ ली। अब बात आती है इनके एटॉमिक नंबर को हम याद कैसे रखें। तो चाहे आप किसी पीरियड से किसी पीरियड में जाएँ, या फिर आप किसी भी ग्रुप से किसी भी ग्रुप की तरफ आगे बढ़ें, या हम बात करें कि हम ऊपर से नीचे जाएँ चाहे नीचे से ऊपर जाएँ, हम क्या ट्रिक अपनाएंगे हम ये बता देते हैं आपको। देखिए एक दो एक्सेप्शन छोड़ दें, मैं एक्सेप्शन जाओगे वहाँ आपको बता देंगे। तो क्या करेंगे, जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे पीरियड में तो एक एक बढ़ता चला जाएगा। लिथियम से जैसे हम लिथियम पे थे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3, तो यहाँ बेरिलियम का कितना हो गया, 4, ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। अगर हम इस ग्रुप में इधर सॉरी इस पीरियड में जाते हैं तो यह क्या है, पोटेशियम का कितना है, 19, कैल्शियम का कितना है, 20, स्कैंडियम का 21। देखिए जहाँ भी लगातार तत्व हैं तो वहाँ पर आप लगातार आगे बढ़ते रहिए।
आपको ऐसे भी याद करने में आसानी होगी। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन से लिथियम जाते हैं, यानी कि पहले पीरियड से दूसरे पीरियड में जाते हैं, तो क्या करते हैं, दो ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, दो ऐड कर देते हैं। लेकिन लिथियम से सोडियम की तरफ जाएंगे तो कितना ऐड करेंगे, आठ। पहले दो ऐड किया, फिर आठ ऐड कर दिया। अगली बार क्या ऐड करेंगे, फिर आठ ऐड करेंगे, यानी कि हम पोटेशियम पे जाएंगे तो आठ ऐड करेंगे सोडियम से। लेकिन अगली बार 18, उसके बाद 18 और फिर उसके बाद 32। हमने क्या बताया, पहले दो ऐड करेंगे, फिर आठ, फिर आठ, फिर 18, फिर 18, फिर 32। ऐसे करके ऐड करके हम लास्ट के पीरियड तक पहले पीरियड से पहुंच सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं आपको समूह के सारे मेंबर्स के एटॉमिक नंबर जानने के, याद रखने के, और आप कन्फ्यूज भी नहीं होंगे। अब चलते हैं अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल एटम भी कहते हैं। और ये डी में रेड कलर टाइप का, जो ये बादामी टाइप का कलर है, ये कलर में जो एलिमेंट्स हैं वो सबके सब ट्रांजिशन मेटल एटम हैं। और इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, चूँकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो डी ब्लॉक में एंटर करता है। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इनका दो सब सेल जो हैं खाली रहती हैं, इनकी ऑर्बिटल्स खाली रहती हैं, उनमें एक डी है और एक एस हो सकती है। तो हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है वो डी में करता है, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। आगे चलते हैं, इनको याद रखने की ट्रिक पढ़ते हैं। सबसे पहले स्कैंडियम का हम बता देते हैं आपको, एटॉमिक नंबर होता है 21। उसके बाद हमने बताया अगर आप टाइटेनियम की तरफ जाएंगे तो ये पहली जो सीरीज बनेगी स्कैंडियम से, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये क्या है, 3D सीरीज। इसके नीचे वाली 4D सीरीज, फिर 5D सीरीज, फिर 6D सीरीज, ऐसे करके चार सीरीज आती हैं। ये पहली सीरीज में हम पहले ग्रुप में खड़े हैं, यानी कि टोटल तीसरे ग्रुप में। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरे ग्रुप में स्कैंडियम, फिर येट्रियम उसके नीचे है, ठीक है। उसके बाद लेंथेनियम आएगा और उसके बाद एक्टिनियम आएगा, लेकिन वो यहाँ विजिबल नहीं है। लेंथेनियम की जगह हमने 57-71 लिखा देखा है और एक्टिनियम की जगह 59-103 लिखा देखा। उसके पीछे आगे बात करेंगे क्यों ऐसा है, क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि हम इस ग्रुप को कैसे याद रखें। ये कौन सा ग्रुप है, हमारा थर्ड ग्रुप है। तो स्कैंडियम को हम दिखाते हैं स्कूटर से, स्कूटर सॉरी सकीला एक्टिंग, इसको हम कैसे दिखाते हैं, इस पूरे उसको सकीला एक्टिंग के नाम से दिखाते हैं। यह हम कहेंगे इसे ऐसे याद रखते हैं, सकीला एक्टिंग, सकीला SC से और Y से सकी में जुड़ गया वो, और इस ये मतलब ये फ्रेज है, इससे आप इसको फट से याद रख सकते हो, चारों एलिमेंट्स को हमेशा के लिए याद रख सकते हो। हमने ऑलरेडी बता दिया एटॉमिक नंबर आपको स्कैंडियम का, और इधर से भी आप निकाल सकते हो, पोटेशियम के बाद एक बढ़ा दोगे तो कैल्शियम, कैल्शियम के बाद एक बढ़ा दोगे तो स्कैंडियम, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये हो गया ग्रुप। चौथे ग्रुप में चलते हैं, चौथा ग्रुप शुरू होता है टाइटेनियम से। टाइटेनियम के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर आपको पता है 22। उसके बाद जिरकोनियम, उसके बाद हाफमियम, उसके बाद रदरफोर्डियम, RF जिसे कह रहे हैं हम। तो इन चारों को याद रखने के लिए टेक्निक क्या होगी, टेक्निक हमारे पास होगी तिवारी ज़रा, हाफ रोज फलूदा और खिलाना। अब हम चलते हैं पाँचवें ग्रुप की तरफ। वैनेडियम से स्टार्ट होता है ये, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। उसके बाद आता है नियोबियम, और नियोबियम का जो सिंबल होता है N और स्मॉल b। उसके बाद टेंटेलम और उसके बाद डूबनियम। इसको हम याद कैसे रखेंगे, बात ये, वो नोबिता डबल, नोबिता एक कार्टून करेक्टर है, आप अच्छे जानते होंगे, बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसको, तो वो नोबिता डबल साहब, इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। उसके बाद अगले उस पर चलते हैं, अगले ग्रुप पे, यह है छठा ग्रुप। हाँ छठा ग्रुप है, क्रोमियम से स्टार्ट हो गए, फिर मॉलिब्डोनम, फिर उसके बाद टंगस्टन, उसके बाद सीबोर्जियम। इसको हम याद कैसे रखेंगे, बात ये है, तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक होती है, क्रोमियम, मॉलिब्डोनम और टंगस्टन सगे भाई हैं, क्रोमियम, मॉलिब्डोनम और टंगस्टन सगे भाई हैं, इससे आप याद रख सकते हो। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि W से रिप्रेजेंट करते हैं हम टंगस्टन को, इसका सिंबल पूछा जा सकता है, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर अभी तक नहीं आया तो ये आ सकता है, तो मुझे उम्मीद है ये आ चुका है, ठीक है। लेकिन क्रोमियम के साथ क्या है, एक अपवाद भी है, क्या अपवाद है क्रोमियम के साथ, एक झलक देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 3D सीरीज में सबसे पहले हम देखते हैं स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम डिटेल में देखें तो कुछ इस ढंग से होगा जैसे कि आप देख रहे हैं। लास्ट में क्या होता है कि जस्ट मोमेंट, लास्ट में आप देख रहे हैं कि 4s2 है, यहाँ पे 4s2 है, यहाँ पे d1 है, इसमें d2 हो गया, इसमें d3 हो गया, तो क्रोमियम में क्या होना चाहिए, एक और बढ़ जाना चाहिए, तो 3 के बदले d4 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, d5 हो गया, और जबकि यहाँ s1 हो गया s2 से,
एक इलेक्ट्रॉन निकला और S1 में बदल गया ये, और एक इलेक्ट्रॉन उसके बदले यहाँ जुड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्रोमियम ने अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अगर 10 हो जाएं तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये स्टेबल होने के लिए 10 तो कहीं से कर नहीं सकता कैसे भी हालत में, तो ये D5 करके हाफ फिल्ड हो जाता है और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है इसकी, थोड़ी बढ़ जाती है। अगर ये D4 होता तो कम स्टेबल होता, लेकिन D5 होते ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन भी है, एक दो एक्सेप्शन और हैं इसके अलावा, कॉपर के केस में भी हम ऐसा एक्सेप्शन देखेंगे, फिर पैलेडियम के केस में भी ऐसा एक्सेप्शन देखेंगे। तो वहाँ पे भी कुछ इसी ढंग का होता है, जहाँ इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, बल्कि पैलेडियम में तो जीरो हो जाता है, कॉपर में एक रह जाता है, पैलेडियम में जीरो हो जाता है। तो ये दो तीन केस हैं जो अपवाद की फॉर्म में ऐसे होते हैं, इन पे भी सवाल आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर उन्होंने पूछ दिया तो आपको ये याद रखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला ग्रुप है सातवां ग्रुप, एटॉमिक नंबर शुरू होता है 25 से, नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या आता है? TC आता है। TC किसको रिप्रेजेंट करता है? Mn तो मैंगनीज का हो गया, TC हो गया हमारा टेक्नीशियम का, उसके बाद Re आ जाता है रीनियम का, और उसके बाद BH आ जाता है बोरियम का। ये चार मेंबर हैं इसके सातवें ग्रुप के। हम इसे याद कैसे रखेंगे? हम याद रखेंगे इसे इस फ्रेज से, मैनेज करे TC रेलवे की भीड़। TC कौन होता है? टिकट चेकर जो रेलवे में होता है वो मैनेज करता है भीड़ को। तो उससे आप इसे हमेशा के लिए याद रखेंगे। एटॉमिक नंबर याद रखने का हमने आपको तरीका बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं आयरन ग्रुप में। आयरन ग्रुप या एट्थ ग्रुप, फेरस Fe आयरन को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए सिंबल पूछ सकता है आयरन का। आयरन का सिंबल I नहीं होता, ना IR होता है ना I होता है, इसका सिंबल होता है Fe। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पे सवाल अक्सर आता है, यहाँ भी आ सकता है ELP में, यदि अभी तक नहीं आया है तो बहुत हॉट सवाल है। ठीक है, तो आपने ट्रिक भी बता दी, हमने एटॉमिक नंबर भी बता दिया आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं कोबाल्ट ग्रुप में। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो है 27। कोबाल्ट से शुरू होते हुए हम चलते हैं RH की तरफ, और RH से शुरू आगे चलते हैं तो IR आ जाता है, फिर MT आ जाता है। क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? CO कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करता है रोडियम RH, उसके बाद IR रिप्रेजेंट करता है इरिडियम को, और उसके बाद MT रिप्रेजेंट करता है मीट नीरियम को। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? इसको याद करने की ट्रिक है कोरियर मत करना, आई रिपीट कोरियर मत करना, बहुत ही आसान ट्रिक, एकदम फट से याद हो जाएंगे चारों मेंबर ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब निकिल फैमिली हमारी आ गई है। निकिल फैमिली यानी कि ग्रुप नंबर 10। तो निकिल सबसे ऊपर हो गया जिसका 28 अकाउंट एटॉमिक नंबर है, उसके बाद पैलेडियम इसके नीचे चले गए हम, 46 एटॉमिक नंबर है, उसके बाद PT आ गया। PT से हम किसको दिखाते हैं? प्लेटिनम को, और उसके बाद DS इसका एक मेंबर होता है, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है नहीं पढ़ पाते। NI से शुरू है, देखिए ये NI, फिर PD, फिर PT, नहीं पढ़ पाते। और अगर आपने DS को याद ही रखना है तो दोस्त, नहीं पढ़ पाते दोस्त, क्लियर, बहुत आसान है। अगला उस पर चलते हैं ग्रुप पे। अगला ग्रुप है कॉपर ग्रुप, और कॉपर है 11 नंबर ग्रुप का पहला मेंबर। ग्रुप नंबर 11 का पहला नंबर एटॉमिक नंबर होता है 29, उसके बाद आता है AG जिसका एटॉमिक नंबर है 27, उसके बाद आता है AU जिसका एटॉमिक नंबर होता है 79। याद कैसे रखेंगे? कॉपर से महंगा सिल्वर, सिल्वर से महंगा गोल्ड, AG किसका सिंबल है? सिल्वर का। तो यहाँ पे भी अक्सर सवाल आता है, फिर AU गोल्ड का भी सिंबल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेलवे के लिए सवाल। ठीक है, तो सबके सिंबल याद हो गए। अब इनको याद कैसे रखेंगे हम? कॉपर से महंगा सिल्वर, सिल्वर से महंगा गोल्ड, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर देखिए, नेक्स्ट ग्रुप देखिए, नेक्स्ट ग्रुप ग्रुप नंबर 12, ये है जिंक से शुरू होने वाला ग्रुप। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। अब आपसे ये कोई कहे कि जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो 3D का हो जाता है 10 और इसमें 4s2 होता है, तो ये ज़्यादातर केस में S के इलेक्ट्रॉन निकाल के काम चला लेता है। इसकी डी सेल जो है, डी सब सेल ऑर्बिटल जो है वो पूरी तरह से फिल्ड है एकदम, इसलिए आसानी से रिएक्शन करना पसंद भी नहीं करता। जिंक के नीचे आता है कैडमियम, और कैडमियम के नीचे आता है HG। HG पे सवाल आ चुका है, सिंबल पूछा था मरकरी का, वो HG ही होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर आप देख रहे हो कैसे निकालते हैं, यदि ज़ेडन का याद है तो आप आगे कैडमियम का कैसे निकालेंगे, सिर्फ 30 18 ही तो ऐड करना है, और अगली बार 32 ऐड करना है, क्लियर। तो ऐसे करके आप इसको फट से याद रख सकते हो, लेकिन हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक अभी आपको बताई नहीं याद करनी कैसे। हम इसके लिए शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं, एक जब कोई सैनिक खड़ा होता है सिपाही कहीं बाउंड्री पे, तो वो क्या कहता है? जंग कब होगी? वो परेशान है, रातों को जाग रहा है,
सब कुछ घर बार छोड़े पड़ा है, और सरकारें जो अपने मसाला सेकने में लगे हैं, नेता लोग और आतंकी आ रहे हैं, वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, हमारे सैनिकों की जान ले लेते हैं। ऐसे में सैनिक इरिटेट होकर कहता है, जंग कब होगी? तो ये बहुत अच्छी ट्रिक, इससे आप याद रख सकते हो, अपने सैनिकों का दर्द भी बांट सकते हो। अगले ग्रुप में चलते हैं, 13 नंबर ग्रुप क्या कहता है और किससे शुरू होता है। ये शुरू होता है बोरोन से, बोरोन का सिंबल होता है बी, आप देख सकते हैं। बी ई किसका सिंबल होता है, बी ए किसका होता है और बी किसका होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में तीनों का सिंबल हमें बताएंगे, कौन कौन होते हैं एलिमेंट्स। बी फॉर बोरोन होता है, फिलहाल वो तो दिख ही रहा है। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है गैलीडियम, उसके बाद आता है आयन इंडियम, उसके बाद आता है थैलियम, और थैलियम का जो सिंबल है वो टी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोरियम का सिंबल क्या है, आप वो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, सवाल हमारा आपसे ही है थोरियम का क्या है, क्योंकि टी आई तो थैलियम का है। क्लियर, अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, बहुत आसान है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ट्रिक याद हो गई। एटॉमिक नंबर हमें याद है, 5 से शुरू होता है, नीचे की तरफ जाएंगे तो बढ़ता रहेगा, कैसे बढ़ता है आपको पता है, हमने शुरू में बता दिया। उसके बाद चलते हैं कार्बन ग्रुप के पास, कार्बन ग्रुप मतलब 14 नंबर ग्रुप, कार्बन से शुरू होगा, एटॉमिक नंबर होगा 6, और कार्बन के क्या होते हैं, समस्थानिक भी होते हैं, तो उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो समस्थानिक का वही रहता है जो है कार्बन का, बस एटॉमिक वेट बदलता रहेगा। क्लियर, तो समस्थानिक क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक वेट बदलता रहता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें वही के वही रहते हैं, सिर्फ नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बदलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं और वही रहते हैं कॉन्स्टेंट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बदलेंगे तो क्या, न्यूट्रॉन। क्लियर, अब इस ग्रुप को याद कैसे करेंगे, क्योंकि कार्बन से शुरू होने वाली फैमिली कार्बन फैमिली भी कहलाती है, और उसके बाद आता है इसका दूसरा मेंबर जिसे एस आई से दिखाते हैं, सिलिकॉन, उसके बाद जी ई या जर्मेनियम, उसके बाद एस एन या टिन जिसे कहते हैं, उसके बाद पी भी बहुत महत्वपूर्ण मेंबर है जिसे हम कहते हैं लेड या शीशा। तो याद रखने के लिए ट्रिक इसकी होती है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। उसके बाद चलते हैं नाइट्रोजन ग्रुप में, नाइट्रोजन ग्रुप का पहला मेंबर खुद नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7, उसके बाद चलते हैं पी पे, पी क्या है, पी हमारा फास्फोरस है, और उसके बाद आता है ए एस या आर्सेनिक, उसके बाद आता है एस बी या एंटीमोनी, उसके बाद आता है बिस्मत या बी आई। तो याद करने की ट्रिक क्या है, इसके लिए 2 ट्रिक हम आपको बताएंगे, बल्कि 3 ट्रिक हम आपको बताएंगे, एक होती है नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी सुंदर। क्लियर, बहुत अच्छी ट्रिक याद हो जाएगी। उसके बाद एक ट्रिक और देखते हैं इसके लिए, वो होती है निखिल पास सब बिंदास, और तीसरी ट्रिक इसके लिए यूज करते हैं नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। क्लियर, आसान से सब कुछ याद हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं, 8 है इसका एटॉमिक नंबर, उसके बाद आता है इसमें सल्फर, सल्फर के बाद आता है इसमें एस ई या सेलेनियम, उसके बाद टेलूरियम या टी ई, उसके बाद आता है पी ओ या पोलोनियम। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, लास्ट का मेंबर इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि लिवर मोरियम है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, उसको याद भी मत करना। ठीक है, तो हम इसे शॉर्टकट से देख लेते हैं क्या होता है इसका, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो। अगले ग्रुप के पास चलते हैं जिसे कहते हैं फ्लोरिन ग्रुप या हेलोजन ग्रुप, जैसे कि आप देख रहे थे फ्लोरिन ग्रुप, फ्लोरिन फ्लोरिन से शुरू होगा, इसको हम हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं। इसके बाद आता है क्लोरिन, उसके बाद ब्रोमिन, उसके बाद आता है आयोडीन, और उसके बाद आता है एस्टेटाइन जिसे एटी कह रहे हैं, एस्टेटाइन। ठीक है, और एटॉमिक नंबर आप याद रख कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इसकी, फिर कल बाहर आई आंटी, आई रिपीट, फिर कल बाहर आई आंटी। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो तत्व हैं ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, पूरी एटम पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा एटॉमिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स यही हैं इसी ग्रुप के, जिनमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, क्योंकि ग्रुप में जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है, तो फ्लोरीन इस ग्रुप में अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया। और अगर हम किसी पीरियड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वहाँ उल्टी चलती है, मतलब बढ़ती रहती है, तो फ्लोरीन तक आते आते वो मैक्सिमम हो जाती है। अब लास्ट का ग्रुप बचता है जिसे हम कहते हैं नोबल गैस ग्रुप या जीरो ग्रुप या 18 ग्रुप नंबर, ये यहाँ नीले कलर में दिया हुआ है। सबसे पहला मेंबर होता है हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जिनॉन और फिर रेडॉन।
अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे क्वेश्चन आ चुका है, तो आप क्या देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की खासियत ये है कि अंतिम कोश भरा होता है। जैसे हीलियम है तो सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन से वो भर जाता है, तो हीलियम के पास अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। ऐसे ही अगर हम नियॉन की बात करें तो वहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है? 10। तो पहले में दो और अंतिम में या दूसरे में 8, तो वो 8 से ही फुल हो गया, क्योंकि तो सिर्फ दूसरा ही ग्रुप है उसके, दूसरा ही कोश है, दो ही कोश है उसके पास। तो कोई भी कोश जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो सेटिस्फाई हो जाता है, फुल माना जाता है। ठीक है, तो वैसे ही आर्गन और क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन के सबके आप याद रख सकते हो। शॉर्टकट की बात करें तो यहाँ पे शॉर्टकट होता है हीना नीना और करीना की जीरोक्स रानी, हीना नीना और करीना की जीरोक्स रानी। तो ये सब कुछ याद हो चुका है आपको एटॉमिक नंबर से लेकर के शॉर्ट ट्रिक तक। अब आप कभी होपफुली भूलेंगे नहीं इन चीज़ों को। चलिए कुछ और खासियत देखते हैं पीरियोडिक टेबल की, जिन पे सवाल आ सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। और सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, यानी कि पीरियड में चल रहे हैं, किसी पीरियड में, चाहे पहले में चल रहे हैं, चाहे दूसरे में, चाहे अंतिम में, चाहे जिसमें, तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, संयोजकता बदलेगी, यानी कि अगर हम लिथियम से आगे नंबर मेंबर कौन सा होगा लिथियम के बाद? बेरिलियम। तो लिथियम से बेरिलियम पे पहुंचे तो एटॉमिक नंबर 3 से बढ़कर के 4 हो गया, मतलब संयोजकता भी उसकी उसी हिसाब से बदल जाएगी, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है लिथियम के पास बाहरी कोष में, तो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो दूसरे ग्रुप का मेंबर है। क्लियर? तो वैसे संयोजकता बदलती रहती है, संयोजकता बढ़ेगी भी और संयोजकता बदलेगी भी। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं बीच में, इसलिए हमने सिर्फ सीधा लिख दिया बदलेगी। बढ़ेगी तो है, ये तो तय है, और कितने से बढ़ेगी? एक से कम जरूर बढ़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। परमाणु त्रिज्या का क्या होता है? वो घट जाती है ऐसे में जब हम बाएं से दाएं जा रहे हों। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, जैसे हम देखते हैं कि लिथियम से लेकर के अगर हम फ्लोरिन की तरफ चलें तो क्या होगा कि हमारा फ्लोरीन तक पहुँचते पहुँचते विद्युत ऋणात्मकता मैक्सिमम हो जाती है। और हमने बताया था फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद परमाणु भार की बात करें, ये तो हमेशा ही बढ़ता है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। उसके बाद धात्विक लक्षण की बात करते हैं। धात्विक लक्षण का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति। तो धात्विक लक्षण भी घटता है जैसे जैसे हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं किसी भी पीरियड में। अब बात करते हैं अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हो तब क्या होगा। अब हम ग्रुप में हैं, ठीक है, तो जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु संख्या बढ़ेगी। ग्रीन सिग्नल हम दिखाया है और ऊपर की तरफ दिखाया है, इसका मतलब बढ़ रही है, ऊपर सिग्नल है तो बढ़ रहा है। ठीक है, संयोजकता समान रहती है, एक ग्रुप के सारे मेंबर्स की संयोजकता समान रहेगी। जैसे लिथियम से अगर हम सॉरी लिथियम के हाइड्रोजन से स्टार्ट कर लें, उसके बाद हम चाहे फ्रेंशियम तक चले जाएँ, लेकिन संयोजकता तो एक ही रहेगी। वैसे ही दूसरे ग्रुप की संयोजकता भी समान है, हर ग्रुप की संयोजकता। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन की जितनी संयोजकता है, कार्बन का लास्ट मेंबर लगभग पीबी है, पीबी की संयोजकता वही वही है। तो ग्रुप में संयोजकता हमेशा समान रहती है, यानी कि उनके बाहरी कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समान रहते हैं, ये ध्यान रखना आप। जैसे फ्लोरिन ग्रुप में चाहे कोई भी ग्रुप हो उसमें से यही होता है। क्लियर? अगला जो करेक्टरिस्टिक वो क्या है? परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, जो ऊपर से नीचे तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। परमाणु त्रिज्या से सीधा मतलब होता है परमाणु का साइज, तो त्रिज्या बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ जाएगा। देन विद्युत ऋणात्मकता की अगर हम बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर घटती है, जैसे का हमारा सिंबल भी बता रहा है। उसके बाद परमाणु भार की बात करें तो ये तो हमेशा ही बढ़ता है, चाहे दाएं से बाएं जाओ, सॉरी बाएं से दाएं जाओ, चाहे ऊपर से नीचे जाओ। क्लियर? उसके बाद धात्विक लक्षण, तो ये बढ़ता है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लिथियम की बात करें तो वो ज़्यादा अच्छे धात्विक लक्षण करेक्टरिस्टिक शो करेगा फ्रेंशियम के मुकाबले। फ्रेंशियम के मुकाबले लिथियम ज़्यादा धात्विक करेक्शन करेक्टर शो करेगा। तो इस प्रकार पीरियडिक टेबल के 3 ग्रुप अब तक हम देख चुके हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिनमें दो ये दो पहले दोनों पीरियड थे, जो एक नारंगी रंग से दूसरा येलो रंग से दिख रहे हैं हम। फिर उसके बाद हमने डी ब्लॉक पढ़ लिया, जो कि कत्थई रंग से दिया हुआ है, लगभग बादामी कलर कह सकते हो आप इसको। फिर उसके बाद ये आपका यहाँ से शुरू होकर बोरोन से शुरू होकर के फ्लोरिन तक के जितने ग्रुप हैं, 5 के 5, ये क्या कहलाते हैं? ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सब सेल में होता है। उसके बाद बारी आती है 0 ग्रुप की, जिसे हम इनर्ट गैस ग्रुप भी कहते हैं। यहाँ की सारी गैसेज जो हैं वो आसानी से रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इनको इनर्ट गैस ग्रुप भी कहा जाता है, यानी कि निष्क्रिय गैसें हैं, और कई जगह पर इनके इस महत्वपूर्ण करेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एफ ब्लॉक को, जो कि हमने अभी तक नहीं देखा है। तो देखिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट छुपे हुए कहाँ होते हैं? यहाँ पे एक एलिमेंट जहाँ पे आप देख रहे हो 57 लिखा है, उसके बाद डैश लिख कर 71 लिखा है। तो ये 57 का जो एटम नंबर वाला एलिमेंट है वो क्या होता है? लेंथेनम।
लेंथेनम खुद तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन लेंथेनम और यहाँ पे हॉफमियम देख रहे हैं आप, हॉफमियम के बीच में 14 एलिमेंट है, वो कौन सी सीरीज है, वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक की 5F सीरीज, एफ ब्लॉक की 5F सीरीज के मेंबर हैं वो 14 के 14, तो वो हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, वो हम नीचे देख रहे हैं, कहाँ पे नीचे, ये दिए हुए देखिए, लेंथेनम खुद तो इसी ग्रुप में चला जाएगा, लेकिन उसके बाद जो शुरू होता है एलिमेंट सीरियम जैसे यहाँ शुरू हो रहा है, तो इससे शुरू होती है लेंथेनॉइड सीरीज 5F सीरीज। उसके बाद यहाँ पे आइए नीचे की तरफ, यहाँ पे लिखा हुआ 89 से लेकर के 103, तो 89 जो वो किसका एटॉमिक नंबर है, वो है एक्टिनियम का, एक्टिनियम कहाँ पे आएगा, 6F सीरीज का पहला मेंबर एक्टिनियम है, लेकिन एक्टिनियम खुद किसका मेंबर है, 6D का, तो एक्टिनियम तो वहाँ चला जाएगा। बाकी एक्टिनॉइड सीरीज में पहला मेंबर क्या है, थोरियम, TH जिसका सिंबल होता है। हालांकि ये जो एफ ब्लॉक है यहाँ पे रेलवे या दूसरे जिस तरह के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए इनसे सवाल नहीं आता, सिर्फ CSIR UGC का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इस पे सवाल आता है, इसलिए इनकी डिटेल्स में हम जाना नहीं चाह रहे हैं। फिर भी अगर किसी को पढ़ना है तो हमारा दूसरा वीडियो है जो इसकी शॉर्ट ट्रिक और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और दूसरी विशेषताओं के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देगा। अब बात आती है एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि उपधातुएं कहाँ पे दिखाई देती हैं, यहाँ पे उपधातुएं रखी जाती हैं, यहाँ पे देखिए ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन उपधातु है खुद, उसके नीचे जर्मेनियम है, ये भी उपधातु होती है, उसके बाद आर्सेनिक आ जाती है, उसके बाद Sb दिया हुआ है और टेल्यूरियम दिया हुआ है, ये भी उपधातु है, और उसके नीचे एक होता है पोलोनियम, ये भी उपधातु है, ये सब के सब उपधातु हैं जो धातु और अधातु के बीच के करेक्टरिस्टिक दिखाते हैं। अब हम अगर बात करें कि नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं, तो देखिए कार्बन से शुरू कर दीजिए आप, ये कार्बन ये नॉन मेटल है हमारी, उसके बाद आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और आपका ये आ गया आर्सेनिक, सॉरी आर्सेनिक नहीं, ऑक्सीजन, देन सल्फर, और आपका सेलेनियम, और उसके बाद पोलोनियम, ये सब के सब क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो हमने नॉन मेटल्स की बात कर ली, हमने सब मेटल्स की बात कर ली, अधातु मतलब उपधातु या धातु की बात कर ली, और हमने धातुओं की भी बात कर ली, तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम कवर कर चुके हैं जो कि रेलवे या दूसरे इस तरह के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पे जनरल साइंस आती है। हमने इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आपसे बात कर ली, हमने परमाणु त्रिज्या की, परमाणु भार की, परमाणु क्रमांक की बात कर ली, धात्विक और अधात्विक लक्षण की बात कर ली, आवर्तसारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर कैसे कैसे परिवर्तन होता है, वो सब के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। अब हमारे पास बचता है सिर्फ एक वीडियो जो कि हम बनाना चाह रहे हैं कि आपको MCQ या वन लाइनर टाइप का कम से कम 50 सवाल इस पे जितनी जल्दी हो सके समय में मिल जाए तो हम लाएंगे उस पे, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कराई जा सके। बहरहाल पूरा मटेरियल हमने आपको रेलवे के लिए अवेलेबल करा दिया, आशा है आपको ये बहुत हेल्प करेगा, 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके फंसने के पूरे चांस हैं, अगर आप इसको एक बार रिवाइज करके देख लेंगे और नोट्स बना लेंगे 100% आपको सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी वादे के साथ कि आप हम मेहनत करेंगे और आप भी मेहनत करेंगे और कामयाब होंगे आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।